अरुण जी के पास फिर से जाऊंगा, क्योंकि इसी डिस्कशन के दौरान क्वेश्चन जो है और दो तीन चीजें जो है वो हमारे दिमाग में आई। और अब चूंकि इस पैनल को हम एक डिबेट के अंदर लेकर के चल रहे हैं कि इसको एक डिबेट का फॉर्म दिया जाए, अरुण जी मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से पूरे डिस्कशन के बीच के अंदर में एक बात निकल करके आई, लैक ऑफ नॉलेज तो है ही है, दूसरा एसेट क्लास के तौर के ऊपर पे हम इन इंडेक्सेस को कैसे देख सकते हैं, तीसरा इस तरीके का एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, उस एनवायरनमेंट को देखते हुए आपको कितना फिजिबल लगता है कि एक सेक्टरल अगर हम इंडेक्स को लेकर के आए हैं तो इसके पीछे आपने काफी एक्सरसाइजेस भी की होंगी और इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपके सामने भी आए होंगे कि स्टॉक और डिमांड एंड सप्लाई इसको किस तरीके से इन इंडेक्सेस के बीच के अंदर में मैनेज किया जाए। अरुण जी धन्यवाद सुरेश जी, और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी पैनलिस्ट ने इसको एक तरीके से छुआ है कि जो अवेयरनेस का जो लेवल है वो डेफिनेटली उतना नहीं है, जो विपिन जी ने कहा मैं काफी हद तक उससे एग्री भी करता हूँ कि जो अवेयरनेस इक्विटीज के बारे में लोगों को है वो कमोडिटीज के बारे में नहीं है, और इसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जो इससे पहले वीरेंद्र जी ने भी कहा था कि चिकन लेग सिचुएशन भी है कि जो चीज चलती है उसके विषय में लोग ज्यादा चर्चा करते हैं और क्योंकि उसके विषय में चर्चा करते हैं तो और लोग उसके विषय में जानते हैं, तो इक्विटीज के साथ कुछ ऐसा ही है शायद कि क्योंकि इक्विटीज चल रही है उसको तो मे बी पिछले 50 साल से लगातार लोग ट्रेड कर रहे हैं तो जानकारी या जो जो अवेयरनेस का लेवल है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, और क्योंकि कमोडिटीज हाल ही में तो नहीं लेकिन लगभग 15 से 18 साल हो गए हैं शुरू हुए, तो उतना लेवल ऑफ अवेयरनेस अभी नहीं आ पाया है, और खासकर जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च होता है नई कमोडिटी लॉन्च होती है तो अवेयरनेस का लेवल उतना नहीं है, पर जैसा आपने भी कहा इससे पहले कि फिजिकल इवेंट थोड़े कम हो रहे थे अभी इन दिनों में, जो विपिन जी ने भी बताया एक तरीके से कि फिजिकल इवेंट थोड़े कम रहे, हमने उसके बावजूद भी कोविड का समय था और थोड़ा जहाँ तक पॉसिबल था जहाँ पे पॉसिबल था हमने फिजिकल इवेंट्स किए हैं, तो जो भी मेन मार्केट्स हैं जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, सूरतगढ़ हो गया, राजस्थान के जो सेंटर्स हैं, गुजरात के कुछ सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने फिजिकल इवेंट्स भी किए हैं, लेकिन उसके अलावा हमने लगभग 100 वेबिनार के आसपास जो है, जैसे ये भी एक वेबिनार कर रहे हैं हम लोग, इस प्रकार के लगभग 100 वेबिनार हमने इंडेक्स को लॉन्च करके उसके विषय में जानकारी के लिए किए, लेकिन एक तरीके से एक वेबिनार फटीक भी जो हम कह सकते हैं वो भी लोगों में थोड़ा हो गया है अभी तो शायद हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन पहले हुआ करता था जब हमने वेबिनार शुरू हुए थे थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि लोगों में थोड़ा वेबिनार फटीक भी आ गया है, तो कुछ लोग अटेंड करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, वो भी एक हो रहा है, तो हम लोग भी अभी ओपन अप हो रहे हैं और फिजिकल इवेंट्स जो विपिन जी ने कहा हमारे प्लान है आने वाले महीनों में, विपिन जी आपके एरिया में भी हमारे वेबिनार्स सेमिनार्स ज्यादा कुछ प्लान है कमिंग टाइम में, आई थिंक अजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं शायद वो कुछ कह रहे जी आप बोलिए वैसे।